हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सलोना 94। तो आज हम लोग नंदनवन जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि नंदनवन रायपुर छत्तीसगढ़ में एक जगह है, ये एक चिड़ियाखाना है। तो हम लोग आज वहीं का सैर करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसा है, क्यों है और काहे है। तो चलिए ये है अटारी। यहाँ से आप उधर दिखाना, उधर से आप ये रोड में चल जाएंगे तो रोंगटा कॉलेज पड़ जाएगा और हम लोग को जाना है सीधा, राइट मुड़ेंगे यहाँ से तो रोंगटा कॉलेज मिलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं नंदनवन। ऊपर देखिए, ऊपर दिखा, ऊपर देखिए, ऊपर है नंदनवन 2 किलोमीटर। हाँ, तो आप देख रहे हैं हम लोग ये नंदनवन के गेट पे खड़े हैं। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। टिकट किसके पास है? इसके पास है। चलिए तो हम लोग, अरे हाँ, मिलवाना भूल गया। ये भैया नाम क्या है, इंट्रो दीजिए। रवि सिंह। रवि सिंह कैमरामैन, ये खुद रवि है, भले चमकता कभी नहीं है सूरज टाइप का। ये विशाल। तो चलिए फिर हम लोग चारों चलते हैं अंदर। तो चलिए लेट्स गो। तो यहाँ हम लोग टिकट दिखा रहे हैं के लिए। चलो, तो जैसे ही हम लोग कहाँ गया, इधर है। तो जैसे ही हम लोग अंदर आए, एक और गेट है, गेट पे दिखाओ, ये एक और गेट। तो यहाँ हम लोग, यहाँ भी हम लोग चेकिंग करवा के अंदर जाएंगे और अंदर जाके शेर भालू सुअर सबसे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये है भालू का बाड़ा। हम लोग पहुंच गए भालू के बाड़े में। तो दिखा सकते हैं कैमरामैन, चलिए दिखाइए। वो है भालू, वहाँ देखिए, जूम किया जाए। हाँ, वेरी गुड, वो है भालू। ज़्यादा जूम मत कर भाई, DSLR नहीं है। हाँ, जूम, वो है भालू, वहाँ बेचारा बैठा हुआ है। और ये नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। इसका वज़न होता है 55 किलो से 140 किलो। जुम्मत करो, ये बस 25 से 30 साल ही जीता है। और इसकी लंबाई होती है, साइज़ होती है 150 से 170 सेंटीमीटर। इसका नाम है भालू। बियर, पीने वाला बियर नहीं, जानवर वाला बियर, समझ गए। चले आगे। हाँ, तो हम लोग अब पहुंच गए हैं चौसिंगे के बाड़े में। तो दिखाइए भैया, चौसिंगा का कौन है। ये देखिए, ये है चौसिंगा, ठीक से दिख रहा है। हाँ, यही है चौसिंगा। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग बात। तो इसका वजन होता है 20 से 25 किलो बस, बहुत कमज़ोर होता है यार, हमारे से खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसकी टॉप स्पीड होती है 62 किलोमीटर पर आवर। और ये 10 से 15 साल ही बस जी पाता है। और इसका वजन होता है, सॉरी वजन तो बता दिया ना, 20 से 25 किलो। तो इसका साइज होता है 65 से 125 सेंटीमीटर। तो चलिए फिर देखते हैं चौसिंगे को। चलिए दिखाइए, अच्छे से दिखाइए। ये हमेशा झुंड में ही रहते हैं, बस बंद कर दे। तो ये हम लोग आ गए हैं एक चिड़िए के पिंजड़े के पास, घोंसला नहीं पिंजड़ा। तो इसका नाम है बजरी। जरा दिखाइए जूम, देख भाई, चखना है चखना। ये बहुत छोटे होते हैं। तो चलिए इसके बारे में दिखा दीजिए।
अबे अच्छे से दिखाइए ना, इधर है पूरा। तो चलिए फिर अगले पास, अगले वाले पिंजरे में चलते हैं, लेट्स गो। हाँ तो अब हम लोग पहुँच गए हैं चीतल के पास। ये देखिए चीतल, दिखाइए। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ये सिर्फ 75 से 125 सेंटीमीटर के होते हैं और इनका वेट 60 से 85 होते हैं केजी। ठीक है, गलत नहीं, ग्राम नहीं, बहुत कमज़ोर नहीं होते हैं, मजबूत भी होते हैं। तो और ये 10 से 15 ही साल जीते हैं। दिखा सकते हैं, वो है चीतल। देखिए कैसे बड़े बड़े सींग हैं, मार देंगे तो मरना पक्का है। तो चलिए फिर अगले पे चलते हैं बनकर। तो अब हम लोग आ गए हैं टर्की मुर्गी, जिसे हम हंस भी बोलते हैं, उसके बारे में। तो ये है वही टर्की मुर्गी उर्फ हंस। इसके बारे में तो कहीं कुछ लिखा नहीं है और हम इतने बड़े ज्ञानी तो है नहीं जो हम इसके बारे में बता सके। तो चलिए फिर अगले में चलते हैं, और क्या करें। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं शुतुरमुर्ग, ये ऑस्ट्रिच के बारे में। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये निवासी है अफ्रीका का। अफ्रीका का है वो, करिया करिया जो लोग रहते हैं वही लोग कर तभी तो करिए। हाँ, और ऊंचाई इसका होता है 2.75 मीटर तक, मतलब उससे कम ही रहता है, क्या बात है। और ये क्या खाता है, घास फूस फल आदि। और इसका जीवन काल होता है 50 वर्ष, बस 85 साल जीता है। तो चलिए इसको दिखाते हैं, चलिए दिखाइए। तो यही है ऑस्ट्रिच, अभी बेचारा खा रहा है, यहाँ आएगा तब हम लोग अच्छे से दिखा पाएंगे। आजा। ये हम लोग पहुँच गए हैं जैकाल के पिंजड़े में, और हिंदी में बोले तो सियार, क्या बात है। लड़का का नाम राजेश, लड़की का नाम रश्मि, क्या बात है। चलिए दिखाते हैं, आइए देखते हैं कहाँ भैया राजेश, भैया रश्मि, सॉरी दीदी रश्मि, कहाँ हैं आप लोग। वो वहाँ अंदर रूम में सोए हुए हैं। अफसोस हम इन्हें दिखा नहीं सकते, अंदर रूम में सोए हुए हैं। तो चलिए फिर अगले में चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। हाँ तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ उल्लू के पास। और भैया जी उल्लू कैसे हैं, सब बढ़िया, बाल बच्चे सब, क्या हुआ कुछ बोल का है नहीं। उल्लू कहाँ बोलता है भाई। भैया, अरे भैया इधर देख लीजिए, हाय उल्लू भैया। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। बेंद्रा कहाँ गया, ये पहुंच गए हम लोग बंदर के पास। बंदर भैया हमारे कैमरामैन के दोस्त, कितने मस्त लग रहे हैं। और भैया क्या हाल है भैया, कोई जवाब नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच गए हैं अजगर के पास। ये है अजगर, बहुत ज़्यादा स्लो है यार। भी एक बात बताइए, आपको अगर 100 मीटर के रेस में लगा दे तो कितने साल में पहुँचिएगा। एक मीटर के रेस में तो 10 साल लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये अपने को कुत्ता टाइप दिया, पता नहीं कौन सा कुत्ता है, आप लोग को भले नहीं दिख रहा होगा, कोशिश करते हैं अंदर दिखाने का, नहीं दिख पाएगा सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। ये है टर्की मुर्गी, इसके सर पे बाल रहते हैं, ये भी आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं लकड़बग्घा के बाड़े में। तो अब हम लोग जा रहे हैं ये लकड़बग्घा है उर्फ हाइना के बारे में।
तो भी है, हाइना कहीं दिख रहे हैं क्या? हाइना भैया नहीं दिख रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये है शेर का बाड़ा, शेर दिख जाए, अरे दिख जाए ना भैया शेर, घंटा नहीं दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए शेर दिख गया, लेकिन उतना दूर अपना दिखाना पड़ेगा, जूम करना ही पड़ेगा। कैमरामैन थोड़ा जूम कीजिए और दिखाइए इसको। ये रहा यहाँ कोने में शेर, कुछ ज़्यादा ही अपना कैमरा ख़राब है, क्या कर सकते हैं, बंद किया जाए। तो भैया ये है कछुआ, तो मोबाइल रखे ना, बहुत ही स्लो प्राणी, पता नहीं ये तो 10 मीटर पता नहीं कितने साल बाद घूमेंगे। तो चलिए फिर ये कछुआ देख लिए, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहुंच गए तेंदुआ के बाड़े में, ठीक है। तो तेंदुआ जो होता है 60 से 110 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसका वजन 40 से 90 केजी होता है। ये टॉप स्पीड मतलब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, क्या बात है, ये ज़्यादा नहीं 15 से 17 ही साल जीता है। तो चलिए फिर उसके दर्शन करते हैं, चलिए दर्शन कराइए पास से थोड़ा दिखा दीजिए। और सर तेंदुआ सर, सॉरी हाँ तेंदुआ सर, सर तेंदुआ इधर देखिए ना, हाय सर कैसे हैं, और बाल बच्चे सब? देखिए बाल बच्चे का नाम लेते हुए रो दिए, चलिए आगे चलते। ये देखिए देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, आई यही है तेंदुआ, ये देखिए दिख रहा है तेंदुआ, अच्छे से दिखाते हैं। चलो बैक कैमरा दिखाते हैं, ठीक है। ये है तेंदुआ, इतना प्यारा लग रहा है तेंदुआ, लगता है तेंदुआ को सर्दी हो गई। तो गाइस अब हम लोग आगे पहुंच गए हैं, यहाँ ये छोटे छोटे बतख दिख रहे होंगे आप सभी को, पता नहीं कौन से ज़माने के बतख हैं। चलिए इनका नाम वाम कहीं पढ़ते हैं, कहीं दिख जाए नाम वाम आता पता कुछ भी तो हम लोग को भी दिख जाएगा, कहीं लिखा ही नहीं है, क्या बात है, होगा कोई बतख वतख। चलिए दिखाते हैं बतख, ये है वो बतख। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए मोर के पास, देखिए इनकी खासियत जानती रहे। ये जो मोर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ऊपर से दिखेंगे, हाँ ये देखिए, ये जो मोर आपको दिख रहे हैं ये मोरनी है, मोरनी है क्योंकि मोरनी के पंख नहीं होते और मोर के पंख होते हैं, मोर भी होगा कहीं, वो देखिए वहाँ पास दिख रहा है, ये आपका मोर रहा और ये मोरनी। और मैं मुझे तो आप सभी जानते ही हैं, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ईमू के पास पहुँच गए हैं, ईमू EMU, ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बारे में, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये 1.9 मीटर तक लंबा ऊंचा हो सकता है, ये घास फूस फल खाता है, ठीक है, और ये 10 से 12 साल जीता है। तो चलिए मिलाते हैं ईमू से, तो ये जो देख सकते हैं आप ईमू, यही है ईमू ऑस्ट्रेलियन प्राणी, चलिए उसको पास से दिखाने की कोशिश करते हैं।
सर इधर आइए सर, ये देखिए यही है इमू, दिख रहा होगा आप सभी को, ये हल्का मोर टाइप दिखता है, बस इसका पंख उतना लंबा नहीं है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से निकलते ही हम लोग को आगे पक्षीशाला मिलेगी, मीन्स यहाँ खाली पक्षी ही मिलेंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो गाइस हम लोग अब पहुँच गए हैं पक्षी विहार में, ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं पक्षी विहार। तो हम लोग चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने से पहले अपने को ये पानी है, इस पानी में हमने को पैर रखना पड़ेगा, ये पानी आपको दिख रहा होगा, इसी पानी में अपने को पैर रख के जाना होगा। इसमें क्या है देखते हैं, हाँ। तो गाइस जैसे ही हम अंदर घुसेंगे ये देखिए पूरे पक्षी पक्षी चारों तरफ पक्षी का आला दिख रहा हूँ, हाँ अब ठीक है, ये देखिए चारों तरफ सिर्फ पक्षी पक्षी दिख रहे हैं, ये नंदनवन की खासियत है। तो चलिए और अंदर चल के देखते हैं क्या है कैसा है और क्यों है, है ना भाई। ये गधे को देखिए, टोपी टकला बन के आया है, बाल है बच्चे के लेकिन फिर भी टकला बन के आया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है बेयर आइस कॉकेट, इसकी खासियत ये है कि इसके जो कुछ खासियत नहीं है, गधा है ये 40 से 50 साल तक जीता है, ये इसके बारे में। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये है ब्लू गोल्ड मियो मैको, ये देखिए वही रियो वाला पक्षी, एंग्री बर्ड वाला। ये लाल हरा तोता ऊपर में है, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। चलिए फिर अगला देखते हैं, अगला का तो कुछ नाम ही नहीं लिखा है। ये है वो पक्षी, इसकी पूंछ मस्त दिख रहे हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, क्या भैया हंस, हंस तो वाइट होता है, वाइट भी होता है हाँ, काला भी होता है, ऐसा सफेद उधर मिलेगा, सफेद उधर है, ये काला वाला हंस है, देख लो भाई लोग ये काला हंस है, अच्छे से दिखा सकते हैं, ये है काला वाला हंस। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना काला हंस अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, क्या बात है, ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चे इनके। ये और कुछ बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे।
तो गाइस हम लोग पूरा घूम लिए, अब घूमने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो चलिए फिर चलते हैं घर, नाश्ता पानी करेंगे, भूख भी बहुत लग रही है, तो फिर चलो लेट्स गो घर।